सो गाइज, अमेजोन प्राइम आईडी, अमेजोन प्राइम वीडियो के बारे में आप सबने सुना होगा, है ना? लेकिन आप सबने ये भी सुना होगा कि अगर वो सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं तो मंथली जो उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो लगभग 150 रुपये, 150 रुपीज़ के आसपास है। और अगर आप उसे ईयरली एनुअली चार्ज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके चार्जेस जो है वो लगभग 1000 रुपीज़ है, 999 है। तो गाइज, अगर आपको ये कोई कहे कि ये आप लाइफ टाइम और एक महीने के लिए, एक साल के लिए, या कहे तो लाइफ टाइम आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? सो है ना गाइज, काफ़ी कमाल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम ये जो सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम के लिए कैसे ले सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तभी आपके समझ में आएगा कि इस ट्रिक को कैसे करना है। सो गाइज, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले इसके लिए हमें जाना होगा अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है, सिंपली लिखना है amazon.de, amazon.de। सो आप देख सकते हो ये जो है जर्मन अमेजोन वेबसाइट जो है जर्मन में ओपन हो गया है, और नीचे में आपको इसका अल्टरनेटिव एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहेगा, वो हमेशा पॉपअप होते रहेगा। तो जब भी ये जर्मन लैंग्वेज में ओपन हो जाए आप उस पर इंग्लिश पे क्लिक कर देना ताकि आपके समझ में आए। तो बस ये इंटरफेस आपके सामने है। राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा साइन इन का ऑप्शन, साइन इन टू लिखा हुआ है, तो उस पर करना है क्लिक। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो तो पहले जर्मन में ओपन होगा फिर वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम ये इंडिया में आईडी बनाते हैं अमेजोन आईडी, तो उस पर क्या होता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों देना होता है ना, बट इसमें दोनों में से कोई आप एक दे सकते हो। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि आप ये ट्रिक जो है ये एक तरीके से, मतलब मान लो कि आप चीट कर रहे हो ना, तो आप अपना रियल मेल आईडी क्यों यूज़ करोगे, है ना? तो रियल आईडी आप अपना यूज़ मत करना। उसके लिए भी मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे कि आप एक टेम्प मेल करके आपको इधर गूगल प्ले में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाके आराम से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, टेम्प मेल करके एक है, मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। तो वो आप डाउनलोड करना, उसमें आपको ईमेल आईडी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? तो सरनेम में, जैसे सरनेम में आप कुछ भी डाल दो, मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से कुछ एक डालना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर भी मत डालना, अपना मेल भी मत डालना, है ना? तो जैसे कि मैं कॉपी कर लिया हूँ अपना मेल, आपको मैं दिखा देता हूँ वो मेल कैसा होता है। आप अपने प्ले स्टोर में जाना, और बस यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना आपको TEMPMAIL, टेम्प में लिखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे डाउनलोड करके फिर ओपन करना, आपको एक मेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर चलते हम अपने गूगल पे, ये लिख के अब पासवर्ड आप कुछ भी अपने हिसाब से देख लेना जैसे आपको जो याद रहे। मैं भी आपको दिखा दिया पासवर्ड, कोई नहीं, आप चाहो तो इस आईडी को भी यूज कर सकते हो। अब देखो, अब उस पर मेरे पे जो है ना कुछ कोड आया हुआ है, जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो आया है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने मेल पे, वही जो टेम्प मेल मैंने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है टेम्प मेल, तो ये रहा टेम्प मेल, इस पर करना है क्लिक। अब इस पर वेरिफिकेशन कोड आया होगा 6 डिजिट का, तो ये इनबॉक्स में दिखा रहा है। ये कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, या याद ही रहेगा 648529, उसमें डाल देना है। अब क्रिएट अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो आपका जो अमेजोन आईडी है, बस अमेजोन आईडी है, ये क्रिएट हो चुका है, प्राइम आईडी नहीं है ये, बस अमेजोन आईडी है।
है ना। तो ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ट्रिपल, ये ट्रिपल लाइन जो है मेन्यू का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है, नीचे आना है। आपको ट्राई प्राइम पे क्लिक मत करना जैसे हम करते हैं, आपको प्राइम वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। प्राइम वीडियो पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारे वीडियो दिख रहे हैं, तो किसी एक पे टैप कर देना, किसी भी एक वीडियो पे टैप कर देना। तो मैंने इस पे टैप कर दिया। अभी आपसे आपके सामने शो हो रहा है ना यहाँ पे व्यू विद प्राइम स्टार्ट 30 डेज फ्री पीरियड, तो इस पे क्लिक कर देना आपको। और ये फिर से दो ऑप्शन पूछ रहा है कि कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑन अमेजोन डॉट डी और गो टू प्राइम वीडियो डॉट कॉम। तो आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन ऑन अमेजोन डॉट डी पे क्लिक करना, यहाँ पे टैप कर देना। यहाँ पे टैप करोगे तो अब है मेन बात, यहाँ तक तो आप सबको पता होगा और यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था। अब ये जो है इसमें आपको कार्ड होल्डर्स मांग रहा है, कार्ड नंबर मांग रहा है, जैसे वहाँ पे मांगता है जर्मन में वैसे मांग रहा है। फिर आपको क्रेडिट कार्ड का वो भी डालना होगा, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी इसमें डालना होगा। तो अब मेन बात है कि ये कहाँ से आएगा, और इसमें हम कुछ ऐसा नहीं है कि इसे नहीं डाल सकते हैं या इसमें कुछ फेक डाल सकते हैं, डालना तो हमें पड़ेगा ही। सो गाइज डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कि ये डिटेल कहाँ से लाना है, और ये डिटेल बिल्कुल जेन्युइन होगा जो आपका काम कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी ब्राउज़र में एक नया पेज ओपन करना है। तो नया पेज कैसे ओपन करते हैं ये तो आपको पता ही है, और इसमें जाके लिखना है फेक FKE हाइफन का साइन देना है, फिर लिखना IT.WS और गो पे कर देना है क्लिक। अब गो पे क्लिक करने के बाद नीचे आप आओगे, नीचे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो गाइस उसके बाद क्या करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स आपको देख रहे हैं, तो इसमें से आपको जर्मन फ्लैग चूज करना है। जिन्हें पता है जर्मन फ्लैग उनके लिए तो अच्छा है, जिन्हें नहीं पता है वो गूगल कर लेना या मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप टैप कर देना। तो ये सेकेंड लाइन जो दिख रहा है ना, सेकेंड लाइन के 7th नंबर पे है जर्मन का फ्लैग, ये रहा, पहले ब्लैक फिर रेड फिर उसके बाद येलो, तो इस पर कर देना है टैप। इस पर टैप करते ही आपको किसी इंडिविजुअल का सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा पर्सनल डिटेल, किसी इंडिविजुअल का नेम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका पोस्टल कोड, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोन, उसका मेल आईडी, और उसके बाद उसका सारा बैंक डिटेल्स जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, बैंक नेम, बैंक कोड, BIC, अकाउंट नंबर, IBAN, क्रेडिट कार्ड नंबर, फिर उसकी एक्सपायरी। तो ये सारा जो है ना आपके यूज़ में आने वाला है, तो आप इस सारे डिटेल्स को अच्छे से देख लेना, और फिर जाना अपने पहले वाले पेज पे। तो पहले जैसे यहाँ पे क्या, ये नीचे ऊपर लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट, तो इस पे क्लिक करना, जो भी डिटेल है वहाँ से देख के सारा भर देना, ठीक है। सारा फिल करने के बाद सो गाइस आपको मैं बता दूँ कि ये जो बैंक डिटेल्स है इसमें बस आपको तीन चीज़ें डालने होंगे, अकाउंट ओनर, दूसरा IBAN नंबर जो आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल डिटेल्स में, और तीसरा जो है BIC या उसे स्विफ्ट कोड भी बोलते हैं। वो तीनों फिल करने के बाद आप ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा जिसमें आपको उसका जो एड्रेस है वो फिल करना है, तो वो भी एड्रेस ऊपर में पर्सनल डिटेल्स के नीचे दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे आप फर्स्ट एंड लास्ट नेम उसका ले लेना, जैसे जो भी है वहाँ पे यहाँ पे पुट कर देना बस। और ये जो सेकेंड लाइन में दिख रहा है, थर्ड लाइन में ऑप्शनल ऑप्शनल वाला जो दो भी दो है ना ऑप्शनल वाला, उसमें कुछ भी मत फिल करना, आप उसे खाली छोड़ देना। सो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने पूरा जो डिटेल्स है वो सारा फिल कर दिया है। अब ऐसे ही आप भी सारा फिल कर देना, और उसके बाद आप यूज़ दिस एड्रेस पे टैप कर देना। यहाँ पे फिर से वो एक बार पूछेगा आपसे कि वी वुड लाइक टू सजेस्ट अ करेक्शन ऑफ सबमिटेड चेंजेस इन ग्रीन, कुछ इसमें मिस्टेक हो गया वो उसके लिए मांग रहा है। सो कोई नहीं, आप इसे फिर से यूज दिस एड्रेस पे टैप कर देना।
फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। है ना, अब आपको देख रहे हो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ गया यहाँ पे, यूज नाउ फॉर फ्री आफ्टर 30 डेज यू हैव टू पे। सो बात यह है कि आपका जो ये प्राइम आईडी है, प्राइम वीडियो आईडी है, ये बन चुका है। सो गाइज, नीचे जो ये दे रखा है स्टार्ट योर 30 डेज आफ्टर दैट यू हैव टू पे, तो इस पर आप क्लिक कर देना। फिर इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तो उसमें आपको दोबारा से जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड आपको पुट करना होगा वहाँ पे। सो गाइज, आई होप कि ये सारी स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।